अंदर ट्रक है फाइनल मुकाबले ये खेला जा रहा है बस खारी है बनाम रामनगर के बीच कमेंट्री हो रही है। असल में जो है जो माइक लगा हुआ है वो एक ही सिर्फ लगाए हैं तो आवाज़ सही आ नहीं रही है भाई, में स्कोर का समझ में नहीं आता ना, नहीं तो कमेंट्री तो पास में हो स्कोर लिखने के लिए तो फिर कमेंट्री हो जाए। कमेंट्री की आवाज जा रही है या नहीं, कमेंट्री तो हो रही है देखिए। स्ट्राइक पर हैं जितेंद्र और नॉन स्ट्राइक पर हैं चंदन राणा। असल में एक ही लगा हुआ है माइक जो है एक ही लगा हुआ है, एक और होता ना तो आवाज़ थोड़ा सा जो है और तेज होती, लेकिन एक ही लगा हुआ है इसलिए जो है क्लियर हमें जो समझ में आएगा वो तो बता रहा हूँ। एम्पायर का इशारा वाइट बॉल और वाइट के साथ स्कोर जा पहुँचा है 14 रनों पर। ये भाई डिविलियर्स भाई ये मैच खेला जा रहा है बसखारी में, ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है, फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है।
रामनगर बनाम बस खारी ए के बीच दूसरा ओवर चल रहा है स्कोर 14 रनों पर। और ये डॉट बॉल और अंपायर का इशारा वन बाउंस का। एक बार फिर चले और ये एक बार फिर दिशाहीन गेंद अंपायर के इशारा वाइड बॉल है। वाइड के साथ स्कोर जा बचा है 15 रनों पर। दूसरा ओवर जारी भाई यही है जो मुझे नहीं पता। अम्बेडकर नगर जिले की बता रहे हैं सारी टीमें हैं और खिलाड़ी भी सभी यहीं के अम्बेडकर नगर जिले के। बाहरी खिलाड़ी कहीं कोई नहीं है, बाहरी कोई नहीं है। एक बार फिर ये खतरा हो सकता है और ये कैच आउट। जितेंद्र आउट होकर वापस पवेलियन जाते हुए 15 रनों के स्कोर पर ये पहला झटका लगा रामनगर। नए बल्लेबाज एक बार फिर मुस्से वालम तैयार अपने बॉलिंग मार पर। मुस्से चले नए बल्लेबाज के लिए डॉट बॉल खूबसूरत गेंद स्कोर 15 रन। हर हैट्रिक सिक्स पर 500 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। हैट्रिक सिक्स पर 500 रुपये का इनाम। भाई मुझे नहीं पता भाई प्रदीप भाई, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ, मुझे नहीं पता। एक बार फिर मुझे वाला तैयार नए बल्लेबाज के लिए एक और डॉट बॉल। इसी एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 16 रनों पर। दूसरा ओवर जारी स्ट्राइक पर आए हैं चंदन राणा। एक बार फिर मुसाइब आलम तैयार बॉलिंग मार पर बॉल करेंगे और ये खेल दिया है गेंद 6 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है 22 रनों पर। समाप्ति की घोषणा दौर की समाप्ति पर स्कोर जो है वो अंपायर का इशारा ना बात की डेड बॉल। चलिए ये जो है अंपायर का इशारा था वो डेड बॉल की गेंद जो है वो फट गई थी तो डेड बॉल। स्कोर जो है 16 रन। ये दूसरे ओवर की लास्ट गेंद स्ट्राइक पर होंगे चंदन राणा और बॉलर होंगे मुसाइब आलम। स्कोर 16 रन
अपनी दूसरे ओवर की लास्ट गेंद। चलिए ये डॉट बॉल, ओवर की समाप्ति 16 रन, दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर बस खा रही है 16 रन और रामनगर का 16 रन। बाएं हैं अमन सिंह और ये अमन सिंह की पहली ही गेंद पर मार दिया है गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए, इस छक्के के साथ स्कोर 22 रन। तीसरा ओवर जारी, एक बार फिर तैयार और ये अच्छी गेंद, बार बार बीट हुए गेंद विकेट कीपर के हाथों में। 22 रन टोटल स्कोर, तीसरा ओवर जारी। ये खेल दिया है स्ट्रेट की जानी और ये कैच होने का चांस और ये सैयब आलम ने कैच को लपक लिया और खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन वापस जाते हुए 22 रन के स्कोर पर ये दूसरा झटका लगता हुआ यहाँ पे रामनगर स्कोर है 22 रन। भाई ये वो नोमान वाला मैच नहीं है भाई, ये दूसरा टूर्नामेंट चल रहा है, दूसरा टूर्नामेंट चल रहा है यासिर भाई, ये नोमान वाला नहीं है। 22 रन के स्कोर पर ये दूसरा झटका लगा है, तीसरा ओवर जारी। और ये खेल दिया है एक बार फिर गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए, इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा 28 रन। तीसरा ओवर जारी रामनगर। हाँ बस ये फाइनल मुकाबला चल रहा है इसके बाद तुरंत निकल गेंद बल्ले से संपर्क नहीं हुई और बीट हुए खिलाड़ी गेंद कीपर के हाथों में, स्कोर है 28 रन। 6+6 ओवर का ये फाइनल मुकाबला, ये खेल लिया है और गेंद फील्डर ने फील्डिंग, जब तक गेंद फील्डर फील्ड करते दोनों खिलाड़ियों ने दौड़ कर 2 रन पूरे किए, 2 रन के साथ स्कोर 30 रन। तीसरा ओवर जारी, 6+6 ओवर गए फाइनल मुकाबला। तीन ओवर की समाप्ति पर स्कोर 30 रन। एक बार फिर बॉलिंग मार्क पर आए हैं मुसैब आलम और स्ट्राइक पर है चंदन राणा। 30 रन, चौथा ओवर ये जारी, 2 विकेट के नुकसान पर रामनगर। ये मुसैब आलम तैयार और बॉल करेंगे और ये हल्का सा खेल दिया है, जब खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते दोनों खिलाड़ियों ने दौड़ कर 1 रन पूरा कर लिया, 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 31 रनों पर। चौथा ओवर जारी, ये
खतरा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फील्डर बैट और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चौके के साथ स्कोर यहाँ पहुँचा है 35 रनों पर। कीपर को गेंद छकाती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए और चौके के साथ स्कोर यहाँ पहुँचा है 35 रनों पर। एक बार फिर मुरहवाला ने उन्होंने शुरू किया और ये अंपायर के जो दिशाहीन है, अंपायर के इशारा वाइड बॉल एक के साथ स्कोर जा पहुंचा 36 रन पर। और हैट्रिक 6 पर 500 रुपए का इनाम। ये मुस्तफा आलम खेल लिया है और यहाँ पर खतरा और ये आउट, तीसरा झटका लगा है यहाँ पर रामनगर की टीम को 36 रनों के स्कोर पर। अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं सूरज, स्ट्राइक पर होंगे सूरज, नॉन स्ट्राइक पर चंदन राणा और बॉलर है मुस्तफा आलम। चौथा ओवर चल रहा है, इसको 36 रन फाइनल मुकाबला। मुस्तफा आलम एक बार फिर दौड़े और ये दिशाहीन गेंद होगी, जितना एम्पायर का इशारा क्या आता है, एम्पायर का इशारा कोई नहीं अच्छी गेंद। 36 रन इसको बल्लेबाज को समझ में आता गेंद, बल्लेबाज को बताते हैं विकेट कीपर के हाथ में। जब तक सैफ गेट को फील्ड करके दोनों खिलाड़ियों के पास मौका था एक रन छुड़ाने का, और ये 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। चार ओवर की समाप्ति पर स्कोर 37 रन 6+6 ओवर गए फाइनल मुकाबला। चले सूरज के लिए खतरा हो सकता था, लेकिन गेंद को जब तक खिलाड़ी फील्ड कर रहे थे तो दोनों खिलाड़ियों के पास मौका था एक रन छुड़ाने का। एक रन के साथ स्कोर यहाँ पहुँचा है 38 रनों पर। अभी स्ट्राइक पर होंगे राणा चंदन राणा और बॉलर होंगे कृष्णा। एक बार फिर कृष्णा चले राणा के लिए और ये अच्छी गेंद अंपायर का इशारा नो बॉल, इस नो बॉल और फ्री ही। और ये फ्री ही
स्कोर है 39 रनों पर। ये क्रिकेट का मौका देखते हैं उठा पाते हैं कि नहीं चंदन राणा, और ये बीट हो गए। चालीस रनों पर स्कोर जा पहुंचा है, 5 ओवर जारी, 6+6 ओवर का ये फाइनल मुकाबला। एक बार फिर कितना चले चंदन राणा के लिए, और ये पट्टी हुई गेंद ज्यादा हाइड रन पर वाइड बॉल, इस वाइड के साथ स्कोर जा पहुंचा है 40 रनों पर, 5 ओवर जारी। एक बार फिर कितना तैयार कितना चले चंदन राणा के लिए, और ये फिर अच्छी गेंद और बल्लेबाज बीट गेंद विकेटकीपर के हाथों में, इसको रुका हुआ है 40 रनों पर। चले गेंद करेंगे चंदन के लिए, और ये चंदन ने खेल दिया है, ये गेंद जो है कीपर से मिस, थर्ड मैन ने गेंद को फील्ड किया, तब तक मौका था दोनों खिलाड़ियों के पास एक रन चुराने का, और इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 41 रनों पर। अब स्ट्राइक पर आए हैं सूरज, सामने बॉलर होंगे कृष्णा, कृष्णा चले सूरज के लिए, और ये सूरज ने खेल दिया है, यहाँ पे खतरा हो सकता है, और ये कैच आउट, करण ने कैच को लपका, और ये सूरज आउट होकर वापस लेन जाते हुए 40 रन के स्कोर पर ये एक और झटका लगता हुआ रामनगर। अब आ रहे हैं बाबा, रामनगर टीम कैप्टन बाबा, पहली बार इतना गेट करेंगे बाबा के लिए, कृष्णा चले बाबा के लिए, और ये खेल दिया है, यहाँ पे खतरा हो सकता है, लेकिन ये फील्डर से पहले गिरी, और लेने गेंद को फील्ड किया, जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते दोनों खिलाड़ियों के पास मौका था 2 रन पूरा करने का, इस 2 रन के साथ स्कोर 42 रन, 5 ओवर जारी, 6+6 ओवर का ये मुकाबला। दौड़ कर एक रन पूरा कर लिया, स्कोर जो है 43 रन। अब बॉलिंग करने के लिए आए हैं बॉलिंग पार पर करण, लास्ट ओवर ये पारी का लास्ट ओवर, रन चढ़े राणा के लिए, और खेल लिया पहली गेंद हेडमैन की जानी गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए, इसके साथ स्कोर यहाँ पहुंचे 49 रनों पर। लास्ट ओवर जारी, एक बार फिर रन, और खिलाड़ी फील्ड करते दोनों खिलाड़ियों ने दौड़कर 2 रन पूरा कर लिया, 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 51 रनों पर। हाँ सॉरी 54 रन स्कोर हो चुके हैं, 54 रन। Thank you.
जी के बाहर 4 रनों के लिए इस चौके के साथ इसको जाकर 58 रनों पर। ये खेल दिया है चंद्रलाल ने स्टेट शीरानी बोर्ड के बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। पैंसठ रन बनाकर 66 रनों का टारगेट दिया है रामनगर ने बसखारी को। 66 रन बनाने हैं बसखारी को ये फाइनल मुकाबला जीतने के लिए 6 ओवरों में। जी अंकुर भाई कोशिश कर रहा हूँ, साथ दूंगा। छत्तीस गेंदों पर 66 रन बनाने हैं ये मुकाबला जीतने के लिए बस खाली एक बल्लेबाजी के लिए आए हैं शंकर और करण। स्ट्राइक पर होंगे करण और नॉन स्ट्राइक पर होंगे शंकर। बॉलर होंगे सूरज, स्ट्राइक पर हैं करण, नॉन स्ट्राइक शंकर।
मुनि माज होंगे मुनि। चलिए पहली गेंद उठा दिया है और गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए छक्के के साथ खाता खुलता हुआ बस खा रही है। 66 रनों के जवाब में स्कोर 6 रन। पहला ओवर जारी, पहली गेंद पर पहला छक्का लगता हुआ करण के बल्ले पर। एक बार फिर बॉलर तैयार, गेंद करेंगे करण के लिए और ये दिशाहीन गेंद, अंपायर के इशारा वाइड बॉल, इस वाइड के साथ स्कोर जा पहुंचा है। चलिए मिस्त्रो दो रन और छुरा लिए। चलिए 1 रन वाइट का और 2 रन दौड़कर पूरा कर लिए। स्कोर जो हो चुका है वो 9 रन हो चुका है, 1 गेंद 9 रन। गेंद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए 2 गेंद 13 रन। 2 गेंद 13 रन। एक और चौका, लगातार दूसरा चौका, स्कोर 17 रन, 3 गेंद 17 रन। एक बार फिर बॉलर तैयार और ये बीट हो गए बल्लेबाज, स्कोर 17 रन। ये अब जो है कमेंट्री की आवाज़ थोड़ा और क्लियर आएगी क्योंकि यहाँ पर जनरेटर चल रहा था, जनरेटर बंद हो चुका है, तो कमेंट्री की आवाज़ जो है अब थोड़ा सा और क्लियर आएगी। अंपायर भी सारा वाइड बॉल, इस वाइड के साथ स्कोर 18 रन। चार रनों के लिए, 4 रनों के लिए स्कोर इस चौके के साथ जा पहुंचा है 22 रन। पहला ओवर जारी, पहले ओवर की गेंदबाजी, स्कोर हो चुका 22 रन। अब यहाँ से जीत के लिए चाहिए 44 और खेल दिया है और गेंद को फील्डर फील्ड करते, जब तक गेंद को फील्डर फील्ड करते दोनों खिलाड़ियों ने 1 रन चुरा लिया। इस 1 रन के साथ स्कोर 23 रन। 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 23 रन, 6 छक्के के जवाब में। अब एक बार फिर स्ट्राइक पर होंगे करण और नॉन स्ट्राइक पर होंगे शंकर, बॉलर होंगे बाबा। और मैं बता दूं, किसी को सिम वगैरह पोर्ट कराना है तो हमारे बाजार में राम नयन से सिम पोर्ट करवा सकता है। और ये दिशाहीन गेंद, अंपायर के सारा वाइड बॉल, इस वाइड के साथ स्कोर 24 रन। अभी तक जो देते हुए सब करण ने खेली है, इस शंकर को स्ट्राइक नहीं मिली अभी तक, काफी ताड़े हो रहे हैं। बाबा चले करण के लिए अच्छी गेंद, हेलीकॉप्टर लाना चाहते थे लेकिन बाबा ने सटीक निशाना लगाया था इस शंकर का, उसके बीच ही ये शंकर और गेंद के बीच पैर आ गया। और पैर अगर ठाकुर का ना होता तो टूट जाता। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया है, स्कोर 24 रन। एक और सिंगल मिस्त्रो और एक और सिंगल चुरा लिया दोनों खिलाड़ियों ने, स्कोर 25 रन, 26 रन। ये खेल दिया है गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए, स्कोर जा पहुंचा है 32 रनों पर।
32 रन, जिसमें से 30 माफ करिएगा 28 रन करण के वाले से आए। एक और छक्का, 38 रन और ये हैट्रिक के चांस पर है करण। अगर हैट्रिक एक और छक्का लगाते हैं तो 500 रुपए के इनाम के हकदार होंगे करण। बस कुछ हो जाए, एक चक्का लगाना है आपको और वो जो ही गेंद है जिससे चक्का लगाना है आपको। कौराल बाबा करण के लिए, ये बीट हो गए, हैट्रिक से चूक गए करण, स्कोर 38 रन, दूसरा ओवर जारी। पैसा कहीं नहीं जाने वाला, जब तक इनाम नहीं था तब तक लगभग हर दूसरे मैच में हैट्रिक सिक्स लग रहा था। ये जो है पेड़ से टकरा कर फील्ड में वापस, ये जो है मिस फील्ड और गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन और 1 रन दोनों खिलाड़ियों ने चुरा लिया इस और इस 5 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 43 रनों पर, दूसरा ओवर समाप्त। तिरालीस रन, चलिए एक बार फिर आगे करण स्ट्राइक पर, शंकर को जो है वो स्ट्राइक नहीं मिल रही। चलिए ये खेल दिया है और ये गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए और इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा 49 रनों पर, तीसरा ओवर जारी। चलिए 45 रन करण अकेले बना चुके हैं और ये करण की 50, ओ फिर से गेंद टच टकराई और ये चलिए सिंगल के साथ जो है स्कोर जा पहुंचा है 50 रन और 46 रन जो है वो करण के। अब आए हैं स्ट्राइक पर शंकर पहली बार तीसरे ओवर में, ले शंकर ने खेल दिया है गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए, इसको 56 रन, 10 रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए बस खारिए को। चलिए सिंगल के साथ स्कोर 57। चलिए अब करण एक बार फिर स्ट्राइक पर, देखना है क्या करते हैं। 46 रन ये अकेले बना चुके हैं, 4 रन चाहिए 50 के लिए। चलिए ये खेल लिया है गेंद बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए और स्कोर जा पहुंचा है, चलिए 4 रन, इस 4 रन के साथ करण की 50 पूरी और स्कोर 61 रन। तो 50 रन यहाँ पर पूरे हो चुके हैं करण के और 61 रन टीम के, 5 रन चाहिए। ये खेल लिया लेकिन रन नहीं लिया खिलाड़ी ने, लेकिन चौथा ओवर जारी। चलिए इसी छक्के के साथ इस फाइनल मुकाबले को जीत लिया है
बार इस फाइनल मुकाबले को जीत लिया है बख्तियारी ए ने। रनर अप टीम है रामनगर। बख्तियारी ए ने इस फाइनल मुकाबले को जीत लिया है और रामनगर टीम जो है वो रनर अप टीम है।